नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरबी टोन कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, आरबी टोन कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और आरबी टोन कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि आरबी टोन कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में आरबी टोन कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। आरबी टोन कैप्सूल का उपयोग शरीर में खून की कमी और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में खून की कमी होने पर भी डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को आरबी टोन कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, उठते या बैठते समय चक्कर आना, त्वचा और आंखों में पीलापन, हाथों और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द रहना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना और दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर आरबी टोन कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि आरबी टोन कैप्सूल को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। आरबी टोन कैप्सूल को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आरबी टोन कैप्सूल को लेने से पहले और लेने के बाद 2 घंटे तक चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफी शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर आरबी टोन कैप्सूल को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन आरबी टोन कैप्सूल की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको आरबी टोन कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना आरबी टोन कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि आरबी टोन कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में आरबी टोन कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में आरबी टोन कैप्सूल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आरबी टोन कैप्सूल की वजह से कुछ व्यक्तियों में कब्ज या दस्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में आरबी टोन कैप्सूल की वजह से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में दर्द हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आरबी टोन कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में आरबी टोन कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। आरबी टोन कैप्सूल को कैल्शियम सप्लीमेंट्स, दूध और पेट में गैस कम करने वाली एंटासिड दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आरबी टोन कैप्सूल को कैल्शियम सप्लीमेंट्स, दूध और एंटासिड दवाओं के साथ लेने से आरबी टोन कैप्सूल का अवशोषण कम हो सकता है, जिसकी वजह से आरबी टोन कैप्सूल की प्रभावशीलता कम हो सकती है। कुछ डॉक्टर आरबी टोन कैप्सूल के साथ विटामिन सी के सप्लीमेंट या विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आरबी टोन कैप्सूल की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं आरबी टोन कैप्सूल को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए आरबी टोन कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं आरबी टोन कैप्सूल को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका आरबी टोन कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।